सो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी ई पाठशाला में। मेरा नाम है दिनेश और आज में हम शुरू करने वाले हैं अपना क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रैशनल नंबर। तो पिछली क्लास में हम एग्जांपल नंबर फर्स्ट और एग्जांपल नंबर सेकंड कंप्लीट कर चुके थे। अब हम करने वाले हैं अपना एग्जाम्पल नंबर थर्ड। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड में क्या करना है हमको। हमको इसको एक टर्म दे रखी है, हमको इसको फाइंड करना है इसको, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई की, देखो यहाँ पे तीन ऑपरेशन से जुड़ी हुई है, है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ यहाँ पे माइनस है, उसके बाद यहाँ माइनस है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं यहाँ से, क्वेश्चन यहाँ पे ठीक है। तो हमारा एग्जांपल नंबर थर्ड है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, इस नंबर को देखने से हमको क्या लग रहा है कि इस नंबर के अंदर जरूर कुछ ना कोई जो नंबर होगा रैशनल नंबर वो कॉमन होगा, है ना। तो हम कॉमन नंबर क्या करेंगे, गिवन ले लेंगे, यानी कि उसमें से कॉमन निकाल लेंगे। तो कोई कौन सा नंबर इसमें से कॉमन दिख रहा है हमको, क्या वो 2/5 है, नहीं 3/7 है, हाँ जी 3/7 है ना। 3/7 क्या है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्मों को एक साथ लिख लेते हैं। सबसे हमारा छोटा सा सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, तो 2/5 इंटू में माइनस 3/7, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 3/7 इंटू में 3/5, ये हो गया हमारा, ब्रैकेट कर दिया क्लोज, माइनस में 1/14, ठीक है, ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें से जो चीज़ हमारे पास कॉमन थी उसको बाहर निकाल लेते हैं। क्या कॉमन था हमारे पास, ये माइनस थ्री बाय सेवन कॉमन था, इसमें से कॉमन आ गया अंदर, क्या बचा 2/5, प्लस का 2/5, ये वाला मल्टीप्लाई लगेगा, ठीक है। ये वाला इसमें से 3/7 कॉमन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस का है, माइनस का, तो ये माइनस वाला नंबर क्या होगा, माइनस वाला नंबर इसको प्लस बना देगा। तो प्लस का क्या होगा, 3/7 बाहर आ चुका है, तो बचेगा क्या यहाँ पे 3/5, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब ये छोटा सा सॉल्यूशन है बिल्कुल। यहाँ से हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है यहाँ पे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, माइनस 3/7, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, जब मैंने इसको प्लस करा तो यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। ऊपर वाले नंबर को मैंने 2 और 3 क्या करा, 3 और 2 5 आ गया, यहाँ पे भी माइनस 1/14, ठीक है। 5 से 5 कट गया, तो माइनस 3/7 मल्टीप्लाई करना है 1 से, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस 1/14। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करी है, यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना। जब हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास कुछ इस तरह दिखने लग गया, ये बी प्लस सी इस तरह दिखने लग गया। तो कभी भी जब मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तो हमने देखा था, जब इस वाले नंबर का ऐसे, तो हमको क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना, सॉरी इस वाली प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, पहले इस वाले को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई, फिर इससे। ऐसी तो हमने एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में देखे थे अपने नंबर, है ना, कि पहले ए बी से मल्टीप्लाई होता है, फिर ए से ए सी से। तो यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की टर्म बना ली, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई, अब अगर वन से, अगर कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो यही नंबर आ जाएगा, माइनस 3/7, है ना। और यहाँ पे क्या है, माइनस 1/14, यही तो है हमारे पास नंबर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 14 और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 7 और 14 का एलसीएम लेंगे तो 7 × 1 = 7, 7 × 2 = यानी कि 14 आ जाएगा, है ना, 14 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं हम इसका, कितना आ गया इसका एलसीएम, 14, 7 के टेबल में 14 का बात है 2 में, तो 2 इंटू में माइनस 3, ठीक है, माइनस का 1। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 × 2 = 6, माइनस का 6, माइनस का 1/14, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 6 और 1 = 7, और उसके बाद 14, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन इसका, -1/2, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल सा तरीका था ये करने का। हमने सबसे पहले जो हमारे पास कॉमन था उनको कॉमन लिख लिया, जो चीज़ कॉमन आ रही थी उसको बाहर निकाल लिया, और हम साथ साथ मेंशन करते गए कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है, ठीक है। यहाँ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करी थी तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख दिया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करी तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख लिया। उसके बाद हमारा सिंपल सा यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन था वो आ गया, ठीक है। मैं इसको ये कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।